हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन की, जिसमें अभी हम डील करेंगे आपका यूनिट सिक्स का सी सेक्शन, है ना। यूनिट सिक्स को मैंने ऑलरेडी काफ़ी पहले आप लोग को डिटेल में करवा दिया है और इसका रिवीजन सीरीज भी मैंने कराया है, तो इसका आपको डिटेल में भी मिल जाएगा और रिवीजन भी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैंने आपका जो सिक्स का सी सेक्शन था, ठीक है, उसको छुड़वा दिया था बाद के लिए कि मैं इसको बाद में कराऊंगी, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक पार्ट है। यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा कई बार से आपके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अभी जो रिसेंट में अभी 14 मार्च को एग्जाम भी हुआ है, आज हम लोग उसका जब पेपर डिस्कस करेंगे वहां पे देखिएगा आप लोग कि वहां से भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आराम से इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज मैं सिक्स सी का एक पार्ट अपलोड कर रही हूँ। इसके कई सारे पार्ट होंगे आपके, क्योंकि मैं छोटे छोटे से टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी, ठीक है। जिसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं, पहले समझ लो कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। जी, ये आपके पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही आते हैं, है ना। पेपर जब मेजरमेंट स्केल की बात करते हैं तो उसमें चार होते हैं। एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये एक टॉपिक हो गया आपका, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, और एक टॉपिक है आपका इधर गया क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव, जब भी रिसर्च की बात करते हैं तो दो अप्रोचेस को यूज किया जाता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए। ये दो जो अप्रोचेस हैं पेपर वन में भी एंड पेपर टू में भी, घुमा फिरा के यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसी वजह से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन फॉर श्योर यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पे तीन टॉपिक हैं आपके बेसिकली। पहला टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, फिर क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड फिर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। अब इसके अंदर ही कई सारे टॉपिक हैं जिसको हमको पढ़ने हैं छोटे छोटे से, ठीक है। जब क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की हम बात करते हैं तो वहां पे आता है आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा, ठीक है। कौन सा डेटा आता है आपका? डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस आता है। अब ये जो जो डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस है, वहां पे हम किन 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 चीजों को डील करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। फिर वेरिएबिलिटी, फिर फिड्यूसरी लिमिट्स एंड ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होता है इन डेटाज का कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस के अंदर, क्लियर है। देन उसके बाद इसी में ही दूसरा टॉपिक आता है आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें टाइप वन एंड टाइप टू एरर क्वेश्चंस इसके आते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू एरर का, ठीक है। उसी में ही आता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस का एक 95% पे होता है, एक 99% पे होता है, वो सिग्निफिकेंस का हम लोग लेवल चेक करेंगे, ठीक है। उसी में ही आता है पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट कहने का मतलब है कितना, मतलब वो कौन से जो टेस्ट है उसका कितना पावर है कि वो जो गलत है उसको गलत को रिजेक्ट कर पाए, है ना। ये वाला है ये पावर, ठीक है। फिर आता है इफेक्ट साइज, ठीक है। इसी में ही इफेक्ट, ये सारे इसी के टॉपिक हैं आपके, इफेक्ट साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर आता है पैरामीट्रिक, दो तरीके की टेक्निक होती है क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में नहीं, क्वांटिटेटिव में ही। ये जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है यहीं पे ही हम लोग दो तरीके की टेक्निक का यूज करते हैं, एक होती है पैरामेट्रिक टेक्निक, एक होती है नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक, ठीक है। उन दोनों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो पैरामेट्रिक टेक्निक को जब हम यूज करते हैं तो उसको सेटिस्फाई कराती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्रेंशियल डेटा। अब देखो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम लोग दो डेटा पढ़ेंगे, एक होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा, एक होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा, है ना। डिस्क्रिप्टिव डेटा के अंदर हम ये पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, फिड्यूसरी लिमिट, हाइपोथेसिस, है ना, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल डेटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आपका टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, एनोवा क्या है, काई स्क्वेयर का है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका यूज एंड इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं, है ना, अभी आगे मैं इसको बताऊंगी। फिर कोरिलेशन क्या है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वेयर, इन सारी चीजों को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इन्फ्रेंशियल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मैंने इसको तीन चार, दो से तीन पार्ट इसके बनेंगे, ये वाला जो सी सेक्शन है इसके शायद तीन पार्ट होंगे आपके, ठीक है, इसको कवर कराने में। तो पूरा न्यूमेरिकल के साथ हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैं आज के सेशन में पढ़ाऊंगी वो आपकी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स होंगे
और मेजर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डेटा के अंदर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की जो भी मेजर्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, इनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। अब सबसे पहले आ जाओ लेवल ऑफ मेजरमेंट में। अगर लेवल ऑफ मेजरमेंट की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ये कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ये बताता है कि कितनी प्रिसाइजली आपने अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। इन अ साइंटिफिक रिसर्च अ वेरिएबल इज एनीथिंग। अब वेरिएबल क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है। वेरिएबल क्या है, कोई एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब वेरिएबल्स क्या है, जैसे आपने कोई टेस्ट किया, वहां पे किसी की हाइट हो गई, ठीक है, उसकी अचीवमेंट हो गई, तो ये सब क्या है, हाइट है, अचीवमेंट है, ये सब क्या है, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज अक्रॉस योर डेटा सेट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे आप मान लो टेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अचीवमेंट टेस्ट करना चाह रहे हो हाई स्कूल के बच्चों पे, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट कराना चाह रहे हो हाई स्कूल के बच्चों पे। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है, अचीवमेंट जो टेस्ट है, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। और जो जिन पे आप करवाना चाह रहे हो हाई स्कूल के बच्चे, ये आपके दूसरे वेरिएबल है ना। तो ये चीज है, क्लियर है। अब देयर आर द फोर लेवल ऑफ मेजरमेंट। चार लेवल होते हैं मेजरमेंट के। एक होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। फॉर श्योर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर वन में मिले या पेपर टू में मिले, आपको मिलेगा, ठीक है। नॉमिनल, ये की पॉइंट में लिखा हुआ है, नॉमिनल कहने का मतलब है कैटेगराइज्ड, ठीक है। नॉमिनल में हम क्या कर देते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं। नॉमिनल का मतलब ही क्या हुआ, नेम। कैसे याद रखोगे, नेम, किससे याद रखोगे, नेम से याद रखोगे। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, नेम, ठीक। ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ, हम इनको रैंक दे रहे हैं। ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ, हम इनको ही रैंकिंग कर रहे हैं, ऑर्डर में रख रहे हैं। इंटरवल कहने का मतलब क्या है, अब इंटरवल में हम इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं, इवन ये इक्वली स्पेस्ड भी होते हैं। लाइक 10 है, 10 के बाद 20 हुआ, ठीक है, फिर 20 के बाद 30 हुआ, तो ये क्या है, इक्वली स्पेस्ड है ना। उसके अलावा हम इसको रैंक भी कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है इंटरवल। उसके बाद आता है रेशियो, जहां पे हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं, इवनली स्पेस्ड भी होते हैं, उसके अलावा नेचुरल जीरो भी होता है। अब इंटरवल और रेशियो में फर्क क्या होता है, अभी आगे देख रहे हैं। इंटरवल रेशियो में फर्क क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। जब इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, और जब हम रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब क्या है, ट्रू जीरो, नेचुरल जीरो, है ना। अब ये एब्सोल्यूट जीरो, ट्रू जीरो अभी आगे देखेंगे, अभी की पॉइंट में सिर्फ इतना लिखो अपनी कॉपी में। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल, व्हाट यू कैन डू टू एनालाइज योर डेटा मे बी लिमिटेड। देयर इज अ हायरार्की इन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिसीजन ऑफ द लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब देखो बना रही हूँ यहाँ पे, ये है आपका नॉमिनल, ये है आपका ऑर्डिनल, है ना, और ये है आपका ऑर्डिनल के बाद इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल के बाद आता है आपका ये फिगर, अपने में सही बनाना, मेरे में उल्टा सीधा बन गया है। फिर आता है रेशियो, ये एक हायरकी में है। हायरकी मतलब लो टू हाई। नॉमिनल क्या है, सबसे लो है, उसके बाद क्या आता है आपका ऑर्डिनल, उसके बाद क्या आता है आपका इंटरवल, उसके बाद आता है रेशियो। अब इसमें समझो, नॉमिनल में हम क्या कर सकते हैं, कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आते हैं, जहां पे हम कैटेगरीज देते हैं उनको, मेल है, फीमेल है, ऐसे करके उनको कैटेगरीज देते हैं, है ना, उनका नाम करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो वो क्या आती है, ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जब हम ऑर्डिनल में आते हैं, तो ऑर्डिनल में हम क्या कर पाते हैं, आप देखो ऑर्डिनल में क्या हो रहा है, ये नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है ना, ऑर्डिनल के अंदर ये नॉमिनल है ना, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। इसके अंदर क्या है, इस ऑर्डिनल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही, तो इसका मतलब हम यहाँ पे रैंक भी कर पाएंगे और कैटेगरीज भी दे पाएंगे, कैटेगराइज भी कर पाएंगे, समझ रहे हो बात को, रैंकिंग भी कर सकते हैं उनकी और कैटेगराइज भी कर सकते हैं। फिर आते हैं इंटरवल, इस तरह बनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप समझ पाओ कि किसके अंदर किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। इंटरवल में अब क्या हुआ, ऑर्डिनल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है और नॉमिनल की भी आ रही है, इसी वजह से इसको हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, रैंक भी कर सकते हैं, और इंटरवल कहने का मतलब क्या है, ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं रेशियो, रेशियो के अंदर किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी, नॉमिनल की होती है, ऑर्डिनल की होती है और इंटरवल की होती है, ठीक है, समझ में आई। तो लोवेस्ट, ये
पूछा जाता है आपका, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाते हैं तो कैसे होता है, नॉमिनल से हम लोग रेशियो की तरफ जाते हैं, ठीक है। और आपको अगर नहीं याद रहता है कि हाँ किसके अंदर किसकी करेक्टरिस्टिक्स आती है, तो ऐसे ही फिगर बना लो, ठीक है, ऐसे करके कॉपी में छोटा सा बना लो, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इधर एक चीज और देख लो, यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे बात की एब्सोल्यूट जीरो की, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो को भी कंसेप्ट यहीं पे समझ लो, आगे फिर डिफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं, वैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बट यहीं पे मैं समझा दे रही हूँ आपको। एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब क्या है, देखो इंटरवल में बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक, इंटरवल में बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो ट्रू जीरो नहीं मिलता, सॉरी हाँ ट्रू जीरो, एक सेकेंड मैंने क्या बताया आपको, एब्सोल्यूट जीरो, हाँ यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, ये बताया ना, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एब्सोल्यूट जीरो आपका होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक। नॉमिनल में जैसे आप एक चीज दो तीन चीजें मैं यहाँ पे रुको इधर आ जाऊँ, मैंने नहीं लिखी इधर, नॉमिनल में जैसे मेल हो गए फीमेल हो गए, ठीक है, मेल हो गए फीमेल हो गए, ऐसे आपने कैटेगराइज कर दिया, समझ रहे हो। लेकिन कभी कभी होता है लिखा हुआ है वन, है ना, लिखा हुआ है टू, ठीक है, तो हमने कैटेगराइज कर दिया ये जो वन है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, मेल, हमने कैटेगराइज कर दिया कि वन का मतलब क्या होता है, मेल, और टू का मतलब क्या होता है, फीमेल। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वांटिटेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वांटिटेटिव है, इस चीज को समझना, ठीक है, ये कैसा है, क्वालिटेटिव ही है, यहाँ पे हम कैटेगरीज ही डाल रहे हैं, ठीक है, नेम्स ही डाल रहे हैं, लेकिन ये जो वन और टू आ रहा है ना, जैसे कभी कभी होता है, मतलब कई सारी कैटेगरीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, उसमें हम कभी 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 ऐसा होता है कि हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वन लिखा है तो वन का मतलब आपको पता होना चाहिए मेल है, टू लिखा है टू का मतलब क्या होता है, आपका फीमेल है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या आते हैं आपके, जेंडर आते हैं, पहले एक समझ लो इसको, जेंडर आते हैं, ऑक्यूपेशन आता है आपका, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या आपका स्टेटस है ना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, नॉमिनल के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर आ जाओ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, रैंक करते हैं, रैंक कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सो ऑन, ऐसे करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रैंक कर देते हैं, ठीक। ऑर्डिनल में क्या होता है, आपका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, ऑर्डिनल में नो एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, ऑर्डिनल में क्या होता है, ये लिखना, नो एब्सोल्यूट वैल्यूज, नो एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, क्यों नो एब्सोल्यूट वैल्यूज, जब हम ऑर्डिनल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रियल डिफरेंस होता है ना वो इक्वल नहीं होता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, तो यहाँ पे 10 10 का इक्वल स्पेस हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपने जैसे लिखा है फर्स्ट रैंक, फिर फर्स्ट मान लिया, फिर आपका 5 आ गया, फिर आपका 10th आ गया, तो क्या इक्वली स्पेस्ड है, नहीं, ये रैंक तो है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, मान लेते हैं ये लोवेस्ट है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है, उसके बाद है, लेकिन ये यहाँ पे नो एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं ये, ठीक है, ये होता है आपका ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, ठीक है, ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, रैंकिंग जो होती है इनके बीच में वो तो इक्वल होती है, मतलब रैंक आप दे रहे हो 1 2 3 5 6 7 8 9 ऐसे सब मान लेते हैं दे रहे हैं, लेकिन इक्वली स्पेस्ड नहीं होता है, बीच में गैप देखो यहाँ पे कितने का हो रहा है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, मतलब ये कहने का, सब समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इक्वली स्पेस नहीं होते, लेकिन जब हम इंटरवल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इंटरवल स्केल्स की, तो वहां पे क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं, देखो 10 है फिर ये 20 है, ठीक है, 20 के बाद ये 30 है, इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप 3 6 ऐसे भी लिख सकते हो, फिर 6 से 10 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 13 से 15 है, ठीक है, तो कितना हुआ, 3 2 5, तो 5 2 7 ऐसे ही लिखोगे, इक्वली स्पेस्ड होते हैं, इक्वल इंटरवल्स होते हैं, ऐसे समझो, यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरवल स्केल्स में इक्वली इंटरवल, इक्वल इंटरवल्स होते हैं, और यहाँ पे इक्वल इंटरवल नहीं होते, तो इसी वजह से यहाँ पे नो एब्सोल्यूट वैल्यूज और यहाँ पे क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, यहाँ पे क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, है ना। अब आज इंटरवल स्केल्स में एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, पहली बात तो ये होगी, उसके अलावा इसे आर्बिट्रेरी स्केल्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसे आर्बिट्रेरी स्केल्स भी बोलते हैं इसको, है ना, आर्बिट्री स्केल्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इक्वल यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इक्वल यूनिट होती है, बिकॉज ऑफ दिस इसे हम लोग आर्बिट्री स्केल्स भी बोलते हैं, ठीक है,
यहाँ पे ये किसका इसके इसके अंदर कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉमिनल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ऑर्डिनल की करेक्टरिस्टिक होती हैं। लेकिन इसमें एक चीज की कमी होती है, क्या कमी होती है, लैक ऑफ अ ट्रू जीरो, लैक ऑफ ट्रू जीरो, ठीक है, लैक ऑफ ट्रू जीरो, यहाँ पे ट्रू जीरो नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रू जीरो नहीं होता है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रू जीरो नहीं होता। अब ये जो लैक है ना, अब इसको समझो, लैक ऑफ ट्रू जीरो जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ये इसकी लिमिटेशन है। इसका मतलब क्या है, बिना ट्रू जीरो पॉइंट के हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट अ टेस्ट स्कोर ऑफ 90, एक टेस्ट का स्कोर कितना है 90, मतलब 90 है, इज 45, इज 45, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझो, कैसे बताऊँ इसको मैं, मतलब एक टेस्ट है, ठीक है, उसमें क्या है 90 उसका हाइएस्ट स्कोर है और आपसे कितने आ रहे हैं 45 आ रहे हैं, तो ये कैसा है आपका, बेटर स्कोर है, ठीक है, ये क्या है आपका, बेटर स्कोर है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते है ना, ये लेकिन हमने वो एक टेस्ट स्कोर है जहाँ पे 90 नंबर का है वो, और हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं 45 आ रहे हैं, ठीक है, जब इसमें ट्रू लैक ऑफ ट्रू जीरो है उस केस में हम ये बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, ठीक है, ये नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से दैट अ पर्सन स्कोरिंग 90 नोज ट्वाइस एज मच एज पर्सन स्कोरिंग 45। देखो मैं सिर्फ फिर से समझा रही हूँ, देखो लैक ऑफ 200 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे एक टेस्ट पेपर है आपका, है ना, यहाँ पे क्या है 90 नंबर्स का है, ठीक, आपके जब इंटरवल स्केल्स में बात करते हैं तो उस पर्सन के अगर 45 मार्क्स आ रहे हैं, ये एवरेज इसका इतना आ रहा है, तो हम बोलते हैं उसने बेटर स्कोर किया, ठीक है, बेटर स्कोर किया, ठीक। लेकिन इस केस में हम ये नहीं कह सकते, हो सकता हो किसी बच्चे के 90 भी नंबर आ रहे हो, आ रहे होंगे ना, हो सकता है, ठीक है, हमने एक एवरेज निकाल के रखा कि 45 तक जिसके जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो कैसे हैं, बेटर स्कोर कर रहे हैं। लेकिन किसी के अगर 90 आ रहे हैं तो ये नहीं कह सकते हैं, किसी बच्चे के अगर 90 आ रहे हैं, जैसे मान लो ए के कितने आ रहे हैं 90 आ रहे, बी के कितने आ रहे हैं 45 आ रहे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं जो ए वाला है उसके पास ज्यादा नॉलेज है, मतलब ए हैज ट्वाइस नॉलेज, ठीक है, ट्वाइस ही तो है, ये 25 का क्या है, ट्वाइस ही तो है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ए हैज ट्वाइस नॉलेज देन बी, ये चीज हम यहाँ पे नहीं कह सकते, समझ रहे हो बात, हम ये चीज नहीं बोल सकते कि ए के बाद दो, ए के पास दो गुना नॉलेज है बी से ज्यादा, क्योंकि उसने दो गुना नंबर उससे ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है, तो ये चीज हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ट्रू जीरो नहीं होता है, ठीक, ये मतलब है यहाँ पे, क्लियर है बातें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख लो, जस्ट अ सेकेंड, इनको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अच्छा ये एग्जाम्पल आगे हैं, ठीक है मैं आगे बताती हूँ अभी, नेक्स्ट आते हैं रेशियो में, ठीक है, अभी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहां पे देखना। रेशियो वेरिएबल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रू जीरो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रू जीरो होता है, यहाँ पे हम एडिशन कर सकते हैं, सब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रू जीरो है, बिकॉज ऑफ द ट्रू जीरो पॉइंट वी कैन से नॉट ओनली दैट द डिफरेंस बिटवीन अ हाइट ऑफ, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ही नहीं बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं वो कितना ज्यादा उससे बड़ा है, मतलब यहाँ पे जैसे हम ये पिछला हमने देखा था कि एक के 45 है और एक के 90 है, तो इनका बीच का हम डिफरेंस, मतलब ये नहीं बोल पा रहे थे इसने कितना ज्यादा इससे स्कोर किया था, लेकिन हम ये चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो, इसके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी नॉमिनल की ऑर्डिनल की, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। अब आ जाओ नॉमिनल में, ये पूरा की पॉइंट में है, ठीक है। नॉमिनल लेवल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं बच्चों को, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं होती, कोई कैटेगरीज नहीं होती, लाइक सिटी हो गया, बर्थ हो गया, जेंडर, इथेंटिसिटी, कार, ब्रांड, मार्शल स्टेटस होता है, सिंगल है, मैरिड है, विडो है, ऐसे करके, ठीक है। ऑर्डिनल में अगर बात करते हैं तो यहाँ को हम डेटा को रैंक करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज की एबिलिटी होगी, लीकर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए, लीकर्ट जो स्केल्स है वहां पे हम क्या देखते हैं, सेटिस्फेक्शन एंड डिसेटिस्फेक्शन, ठीक है, कितना ज्यादा वो सेटिस्फाइड है, डिसेटिस्फाइड है, या फिर स्ट्रॉन्गली सेटिस्फाइड, स्ट्रॉन्गली डिसेटिस्फाइड, ऐसे करके स्केल चलती है, तो वो इसमें ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पेपर टू के लिए यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये यह आता है कि
लीकर टाइप जो के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं आपके ऑर्डिनल स्किल्स में। फिर आते हैं इंटरवल में। इंटरवल में इक्वल इंटर्स होते हैं। अभी मैंने बताया देयर इज अ नो टू ट्रू पॉइंट, ये चीज मैंने बताई है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो IQ के टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज होती हैं, टेम्परेचर जो हैं फ़ारेनहाइट वाले, वो सारे इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और भी लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, लिख लो यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं आपके, ये भी इसी में आते हैं, जितने भी होते हैं, वैसे IQ लिखा हुआ है। साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, जिसमें आपका अचीवमेंट टेस्ट हो गया, है ना, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, है ना, और एटीट्यूड टेस्ट हो गया, है ना, और इन्वेंट्रीज हो गई, पर्सनैलिटी की इन्वेंट्रीज, है ना, वो सब कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाओ रेशियो में। रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है, देयर इज अ ट्रू जीरो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम कैटेगराइज कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, इक्वल इंटरवल होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है, किसी को मुझे नहीं लगता यहाँ तक दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है आपके, टेम्परेचर्स हो गए, वेट हो गया, मतलब यहाँ पे सारी चीजें आ सकती है। रेशियो में हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर भी निकाल सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये नॉमिनल का मैंने डाल दिया था, वैसे मैंने समझा दिया आपको। नॉमिनल में क्या है, व्हाट इज, ये क्वेश्चन दे रखे, व्हाट इज योर जेंडर, मेल या फीमेल, तो ये क्या है, नॉमिनल है। व्हाट इज योर हेयर कलर, आप इसमें से ही कोई ऑप्शन करोगे, कहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, आपके नॉमिनल में आते हैं, क्लियर है बातें, किसी को कोई दिक्कत, अब आगे आ जाओ, चलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पे, ठीक है, अपने टॉपिक पे क्वांटिटेटिव। यहाँ पे एक चीज पहले ही समझ लो, इधर आ जाओ, जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी, जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी, है ना, ये जो स्टैटिस्टिक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है आपकी, एक है आपका डिस्क्रिप्टिव, एक है आपका डिस्क्रिप्टिव, एक है आपका इन्फ्रेंशियल। कॉपी में चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, मैं ऐसे सोच रही थी बनाने के लिए, बस टाइम नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं ऐसे ही बनाती इसको, ठीक है। इसके बाद इसका की पॉइंट यहाँ पे लिख लो, जो मैंने ऊपर लिखा है, इसके बाद इसका की पॉइंट यहाँ पे लिख लो, जो ऊपर लिखा हुआ है ना। अब देखो इसको समझो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेजर, अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड्स का यूज करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, आर कंप्यूटेड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल और पॉपुलेशन इन टोटैलिटी एंड दस लिमिट जनरलाइजेशन टू पर्टिकुलर ग्रुप सैंपल, नो कंक्लूजन आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड दिस ग्रुप। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव, तो इसे क्या वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और जो भी सैंपल्स की, पॉपुलेशन की, जो भी करेक्टरिस्टिक्स आपके डेटा की, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अरेंज करते हैं ग्रुप में, ठीक है, उसको हम लोग अरेंज करते हैं, बाद में उसको इंटरप्रेट करते हैं, बाद में उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको एवरेज निकाल करके, उसकी फ्रिक्वेंसी में फॉर्म करके, है ना, इस तरह, मतलब कई सारी चीजों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग, मतलब जो भी कंप्यूट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल या फिर पॉपुलेशन को, ठीक है, पूरी पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है, जो लिमिट करती है हमारी जनरलाइजेशन को, मतलब जो भी पर्टिकुलर ग्रुप है उसको, जो जनरलाइजेशन है उसको लिमिट करती है। यहाँ पे सिर्फ हम सिर्फ डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं, उसको जनरलाइज करने का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसी जगह जब इन्फ्लुएंशियल की बात करते हैं, यहाँ पे नो जनरलाइजेशन, यहाँ पे क्या है, हम जनरलाइजेशन करने को लिमिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके सैंपल्स के उसको कंप्यूट कर रहे हैं, उसको हम निकाल रहे हैं वहां पे, डिस्क्राइब कर रहे हैं, बस दैट्स इट। लेकिन जब इन्फ्लुएंशियल में आते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं बियॉन्ड द सैंपल जाके, यहाँ पे हम सैंपल या पॉपुलेशन जो भी है उसकी विद इन द सैंपल रह करके ही हम उसको कंप्यूट कर रहे हैं, सिर्फ कंप्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बियॉन्ड द सैंपल जाके उसको जनरलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हो। इन्फ्लुएंशियल में आप क्या कर रहे हो, बियॉन्ड द सैंपल जाके उसको जनरलाइज कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, है
है ना, बियॉन्ड द सैंपल जाकर के हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं पॉपुलेशन पे, और वाइडर पॉपुलेशन पे जाकर के। हमारा जो सैंपल है 100 बच्चों का सैंपल है, उससे ज्यादा की पॉपुलेशन पे जाकर के हम क्या कर रहे हैं, उसको जनरलाइज कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है, कितना कितनी हद तक वो एक्यूरेट है। ठीक है, नो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी को जानने के लिए ये चीज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो भी डेटा है समझना है इस चीज को, इसी से ये इन्फ्लुएंशियल निकल के आता है आपका। जो भी आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं सैंपल का, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का और इन्फ्रेंशियल का। आगे चले, अब आगे आ जाओ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक मैंने फिगर बनाया था यहाँ पे, रुक जाओ, ये रहा। अभी इधर जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो वहां पे हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या निकालते हैं, बेसिकली एवरेज निकालते हैं, ठीक है, या फिर एवरेज बोलो यहाँ पे, जिसमें हमको मीन देखना है, मीडियन देखना है, मोड देखना है, वो हम इस सेशन में यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन में यही करने वाले हैं। फिर आते हैं मेजर ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन। स्प्रेड और डिस्पर्जन कहने का मतलब, यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज कैलकुलेट किया अपने डेटा का, अपने डेटा का यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज को कैलकुलेट किया। मेजर ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन की बात करते हैं, मतलब कितना ज्यादा डिस्पर्ज है, कितना ज्यादा फैला हुआ है, मीन से कितना ज्यादा फैला हुआ है डेटा, है ना, कितना ज्यादा डिस्पर्ज है। ठीक है, वो चीज आती है मेजर ऑफ स्प्रेड और डिस्पर्जन में, जहां पे हम लोग रेंज देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। वेरिएंस से क्वेश्चन आया होगा आपका। ठीक, मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरे रिलेशन को, दूसरी पोजीशन को रिलेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड स्कोर्स, ठीक है, टी स्कोर, जेड स्कोर्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, परसेंटाइल देखेंगे। ठीक है, परसेंटाइल में जैसे अभी इस बार का आपका रिजल्ट आया, परसेंटाइल में क्या देखा आपने कि मान लो आपके 98.65 आए, तो ये क्या है, परसेंटाइल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन के अंदर आता है। अब आपको, अब दूसरे बच्चे से अपनी पोजीशन को रिलेट करा रहे हो, क्योंकि 98.65 बच्चे आपसे बिलो हैं, उन्होंने आपसे कम मार्क्स को स्कोर किया है। ठीक है, फिर आता है परसेंटाइल स्कोर, कैसे परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं। ठीक है, फिर आता है मेजर ऑफ रिलेशनशिप। मेजर ऑफ रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो एक दूसरे को इफेक्ट कर पा रहे हैं, जिसमें आपका कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन में कई सारी चीजें हैं आपकी, कोरिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके अलावा पार्शियल है ना, और कौन सा है, काई स्क्वायर है ना, स्पीयरमैन, सॉरी हाँ स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर करके कई सारे कोरिलेशन है, डिफरेंट टाइप्स के कोरिलेशन है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अभी के सेशन में हम लोग सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मीन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, मतलब जितना थ्योरी आपको जरूरत था, मैंने सिर्फ उतना डाला है। बेसिकली हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने ज्यादा थ्योरी भी इसमें नहीं डाली है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को करवा के यहाँ पे समझा दूंगी आपको। मीन की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है मीन के बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, इवन फॉर्मूला भी ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगर मीन का मैं फॉर्मूला बात करूं तो क्या होता है आपका, जब हम मीन निकालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको लिख के समझाना चाह रही थी इस वजह से। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल को कितना मैं लिखूं, न्यूमेरिकल को बात तो ये होती है ना, तो न्यूमेरिकल को लिखने से बेटर मैं आपको समझा दूं आपको। ठीक है, एक्स क्या है, टोटल नंबर। एक्स क्या है आपका, टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर जो भी आपके दे रखे हुए हैं वो क्या होता है, एक्स होता है। और एन क्या है, मतलब जैसे अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो पहले। मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द अर्थमेटिक एवरेज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरेज को निकालते हैं। इट इज कंप्यूटेड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, समेशन, ये जो समेशन है इसका मतलब सम ही होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैं एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, मैं मेथड बताऊंगी खाली। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, समझ में आई बात, सम ऑफ ऑल द नंबर, एवरेज भी ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल द नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये होता है मीन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि जब हम मीन की बात करते हैं यहाँ पे, तो मीन अप्रोप्रिएट होता है स्टैटिस्टिक में कब,
ठीक है। जब हमको क्या करना होता है, मतलब जो भी हमारे मेजर्स हैं या फिर जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब आपको याद रहना चाहिए, सिस्टमेटिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा यहाँ पे ये मोस्ट सुटेबल मेजर माना जाता है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी में बात करूँ मीन मीडियन मोड में, तो सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा होता है आपका, ये होता है मीन होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी एडिशनल स्टैटिस्टिक को हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले आता है चेंजिंग अ स्कोर। ठीक है, अब देखो चेंजिंग स्कोर में बात करते हैं। चेंजिंग स्कोर कहने का मतलब क्या है, जब भी हम क्या करते हैं मीन में, मान लो आपके पास कुछ डेटा दे रखा हुआ है, इसी को हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके पास कुछ डेटा दे रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे डेटा को इसका अगर मीन निकालते हैं, ठीक है, मीन निकालना भी यहाँ पे लगाया, सम ऑफ ऑल द नंबर 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 × 3 = 7, 7 × 8 = 10, 10/4 हो गया। ठीक है, 10/4 हो गया, ये क्या आया आपका, ये क्या आया आपका, एवरेज मीन आया, ये क्या आया आपका, एवरेज मीन आया। अभी अगर मान लो इसके स्कोर को हम चेंज कर दे, पहला करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ चेंजिंग का स्कोर, अगर इसका हम एक डेटा चेंज कर दे, चेंज क्या कर दे, यहाँ पे हम लिख दे 2, फिर लिख दे 2, यहाँ पे लिख दे 3, यहाँ पे लिख दे 4, है ना। अब मीन निकालो उसका, क्या आ जाएगा आपका, 2 + 2 = 3 + 4/2 = 4, है ना। अब कितना हो गया, 4 × 3 = 7 और 2 × 9 = 2 = 11, 11/4 हो गया। देखो चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, मतलब आपने अगर स्कोर को चेंज किया तो आपका मीन भी चेंज होगा, ये पहला करेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, क्लियर बात। अब इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्कोर और रिमूविंग अ स्कोर। ठीक है, हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया न्यू स्कोर को और रिमूविंग अ स्कोर, देखो ये चीज मैंने यहाँ पे कर भी दी है। ठीक है, इस 1 को हमने हटा दिया और दूसरे 2 को, दूसरे नंबर को मैं यहाँ पे ले आई, तो क्या यहाँ पे नंबर चेंज हुआ, चेंज हो गया ना। ठीक, तो वही चीज है, मतलब एक को हटा करके अगर हम किसी चीज को ऐड करा रहे हैं या किसी चीज को सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करा रहे हैं अपने डेटा में, तो भी हमारा मीन चेंज होगा। ठीक है, एडिंग सब्सट्रैक्टिंग कॉन्स्टेंट नंबर फ्रॉम ईच स्कोर, इन दैट केस यहाँ पे भी मीन आपका चेंज होता है, आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो भी आपका मीन यहाँ पे चेंज होता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला चेंजिंग स्कोर, आप स्कोर को अगर चेंज करोगे तो भी आपका मीन चेंज होगा, एक नंबर को दूसरे नंबर से रिप्लेस करोगे तो भी आपका मीन चेंज होगा, ऐड करोगे हर डेटा में, मान लो ऐड सब्सट्रैक्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने क्या एक कॉन्स्टेंट नंबर से ऐड करा दिया, कॉन्स्टेंट नंबर से ऐड कराने का मतलब क्या है, यहाँ पे +1 कर दिया, 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 तो नया डेटा क्या निकल के आया, 2, 3, 4, 5। अब इसका मीन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x̅ = sum of all the number 5 × 9 = 9, 9, 3, 12, 12, 13, 14 upon 4, चेंज हो गया ना, देखो 14/4 यहाँ पे क्या 10/4 है। ठीक, वही चीज देखा, अब इसी जगह मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी यही चीज होगी, क्लियर है बातें। यहाँ पे ये मीन हो गया आपका। ठीक है, मीन का ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको निकालना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्पेस भी दिया था, क्लियर है बातें। नेक्स्ट आ जाओ मीडियन पे आ जाते हैं। ठीक है, मीडियन पे आते हैं, मीडियन कहने का मतलब क्या है, मिडिल टर्म। ठीक है, मीडियन कहने का मतलब क्या है आपका, मिडिल टर्म। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या हो गया आपका, जो मिडिल टर्म है। यहाँ पे मीडियन इज अ पॉइंट इन एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव एंड बिलो। जैसे ये फिगर अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है, ये दे रखा हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, ये 7 तक हो गया। ये 4 क्या होगा, ये 4 क्या है इसका, मीडियन। 4 क्या है इसका, मीडियन। ये क्या है आपके, 3 स्कोर्स अबव, ये 3 स्कोर्स क्या है आपके, अबव, है ना, और ये जो 3 स्कोर्स हैं आपके वो क्या है, बिलो। इक्वल पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया ना, बिलो है ये, ठीक है, इक्वल पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया ना, तो ये होता मीडियन। ठीक है, यहाँ पे इट इज अ मेजर ऑफ पोजीशन, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ये की पॉइंट है आपका, ये क्या है, मेजर ऑफ पोजीशन है।
ठीक है, मेजर ऑफ पोजिशन रेदर देन वन ऑफ अ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, पोजिशन को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोजिशन को मेजर कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अनग्रुप्ड एंड स्मॉल, वी आर, अगर हम मान लेते हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो अनग्रुप्ड है, अनग्रुप कहने का मतलब क्या है, 1, 3, 5, 7, 8, 2 ऐसे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 8, ये चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक। ये लिखने के बाद हम इसमें मिडिल टर्म को यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 2, ये 2, ठीक है, एक टर्म और लिख लो यहाँ पे, 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 टर्म ये हो गए आपके, और 3 टर्म ये हो गए, तो 5 क्या हो गया इसका, मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। अगर ग्रुप आपका जो डेटा है वो अनग्रुप्ड है, अनग्रुप डेटा कैसा होता है, ऐसा होता है आपका अनग्रुप डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इधर उधर होते हैं, हमको अरेंज करना होता है उन्हें, ठीक है, क्लियर है बातें। आप फिर आप क्या करोगे, पहले उनको, मतलब जो अगर डेटा आपका अनग्रुप्ड है मानो, ठीक है, अनग्रुप्ड है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करोगे। ध्यान रखना ये नहीं कि देखा आपने वो अनग्रुप्ड है और आपने डायरेक्टली ऐसे ही करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले उसको अरेंज करो, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद इक्वली उसको डिवाइड करो, ठीक है। फिर आप क्या निकाल सकते हो उसको, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एक मिनट, क्या लिखा मैंने, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रुको, आधा चीज मुझे लग रहा है मैंने छोड़ दिया क्या, ठीक है, ये व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अच्छा ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना, ठीक, ये चीजें क्लियर है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, मेरे को भी यहाँ पे समझाते हैं आपको, जस्ट अ सेकंड। अब जब हम मिडिल टर्म निकालते हैं तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑड नंबर, ठीक है, एक होता है इवन नंबर, मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, इसको जब काउंट करोगे तो कितना आया, 4, इसको जब काउंट करोगे तो कितना आया, 5, तो ये क्या है आपका, इवन नंबर है, ये क्या है आपका, ऑड नंबर है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है, मीडियन निकालना है, सॉरी, अब इसको क्या निकालना है, आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। जब भी आपका ऑड नंबर हो, ठीक है, तो नंबर होते हैं, तो मीडियन क्या होगा, मिडिल स्कोर होगा, मीडियन क्या होगा आपका, मिडिल स्कोर होगा, ठीक है। जब भी आपका ऑड नंबर होगा तो मीडियन क्या होगा आपका, मिडिल स्कोर होगा, ठीक है, मीडियन क्या होगा आपका, मिडिल स्कोर, जो भी होगा वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। उसी जगह व्हेन देयर आर अ इवन नंबर, ठीक है, तो मीडियन क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा, मीडियन क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैं समझा रही हूँ, रुक जाओ, मिड पॉइंट होगा, मिडिल स्कोर और मिड पॉइंट दोनों में डिफरेंस है। मीडियन क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा, अगर इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो मीडियन क्या होगा आपका, मिडिल स्कोर होगा, ठीक। आप देखो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो मिडिल स्कोर क्या हुआ आपका, 4, मिडिल स्कोर क्या हुआ आपका, 4 हुआ, हो गया 4, समझ में आई बात, है ना, समझ में आई, ठीक। उसी जगह अगर अगर हमको निकालना हो इवन नंबर का, तो इवन नंबर में हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 दे रखे हुए हैं, हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट, ये दो नंबर हुए ना, तो इसका हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं, 2 + 3/2, ठीक है, 6/2, तो सॉरी ये 5 है, 5 सॉरी, तो इसको मिड पॉइंट निकाल लेना, तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह आप निकालते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अगर इवन नंबर है तो मिडिल स्कोर ही हो जाएगा, आप डिवाइड करोगे जो भी मिडिल में आ जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर आपका जो डेटा दे रखा वो इवन है तो आपको मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, x1 + x2 / 2, इस तरह हम लोग निकालते हैं मिड पॉइंट, ठीक है, क्लियर है बातें। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, बट मैंने सही, मतलब
पूरा क्लियर तो कर दिया, बट स्टिल अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दे, ठीक है, बता देगा। अब कैसे सिलेक्शन करते हैं हम लोग मीडियन के लिए? मीडियन के सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे जब हम मीडियन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आता है एक एक कंसेप्ट आता है स्क्यूड का, ठीक है, स्क्यूड मतलब कितना ज्यादा स्क्यूड है, ठीक है, ये कंसेप्ट आता है, अभी हम लोग मैं इसको समझा रही हूँ, कितना ज्यादा वो स्क्यूड है ये भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर आता है देर इज अ नॉट सफिशियंट टाइम टू कंप्यूट, मीन जब आपके पास ज्यादा सफिशियंट टाइम नहीं होता म्यून को निकालने का, तो इन उस केस में आप मीडियन को निकालते हो, यहाँ पे इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे होते हैं, इसी वजह से आपको उसको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन वेदर केसेस फॉल विद इन द अपर और लोअर हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट पर्टिकुलर इन हाउ फार, मतलब जब आपके जब आपको ये निकालना हो कि अपर में कितना है लोअर में कितना है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस केस में भी आप मीडियन को निकालते हो यहाँ पे, ठीक, क्लियर है आप बातें। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे एक चीज और लिख लो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, इधर यहाँ पे जब मैंने बोला कि ये क्या होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं जब स्क्यूड की बात करते हैं, ठीक है, जो मैंने स्क्यूड का कंसेप्ट बताया वो स्क्यूड कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स होते हैं आपके, ठीक है, ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं, दो एक्सट्रीम्स है यहाँ पे, ठीक, तो मतलब ऐसा होता है अगर आपका इधर की तरफ ज्यादा फ्लैट है, स्क्यूड है इधर की तरफ, ठीक है, इस वाले, तो यहाँ पे क्या होता है ये, मतलब ये मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक एंड पे बहुत ज्यादा स्कोर्स होते हैं और एक एंड पे बहुत कम होते हैं, ठीक है, एक स्क्यूड कहने का मतलब क्या है, स्क्यूड कहने का मतलब क्या है, एक एंड पे बहुत ज्यादा स्कोर्स हैं और एक एंड पे कम है, तो ये क्या है आपका, अभी ये जो कंसेप्ट है स्क्यूड वाला बता रही हूँ, आगे भी मिलेगा आप लोगों को, तो अभी बस इंट्रोडक्शन में समझ लो इसको, ठीक है, कि ये स्क्यूड का मतलब ये देखो, ये कैसा इधर की तरफ स्क्यूड है, ये क्या है इधर की तरफ, इधर ज्यादा आपका डेटा है, ठीक है, ये चीज कहने का मतलब है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ मोड, मोड कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंटली सबसे ज्यादा नंबर अकर करते हैं, जैसे ये है 1, 3, 3, 3, 5, 2, 7, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज्यादातर बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपका मोड क्या हो गया, 3 हो गया, मोड क्या हो गया, 3 हो गया, सिंपल है, ठीक है, मोड क्या हो गया आपका, 3 हो गया। मोड इज अ स्कोर, वो ऐसा स्कोर जो फ्रिक्वेंटली अकर करता है, मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा अकर करता है, वो होता है आपका मोड, ठीक है, वो क्या होता है आपका मोड, द मोड इज डिफाइंड एट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो होता है मोड, ठीक है। इट इज इफ देर इज ओनली वन वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर, अगर एक वैल्यू है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, एक ही वैल्यू, ठीक है, अकर कर रही थी मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ टाइम, वन वैल्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉडल, क्या बोलते हैं, यूनिमॉडल बोलते हैं। इफ सम डिस्ट्रीब्यूशन देर बी अ मोर देन वन मोड, मतलब जहाँ पे अगर मान लो 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 8, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो वैल्यू मैक्सिमम टाइम अकर कर रही है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, बाई मॉडल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बाई मॉडल, और मल्टी मॉडल कहने का मतलब क्या है, ऐसा कुछ, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, ऐसे करके आ रहा, तो ये क्या है, मल्टी मॉडल है, ये क्या है आपका, बाई मॉडल है, ये क्या आपका, यूनि मॉडल है, ठीक है, क्लियर है बात है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट पे, ठीक है, सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये यहाँ पे जो हमें क्विक मतलब सेंट्रल बहुत जल्दी मुझे चाहिए होता है, क्विक एस्टिमेट अगर चाहिए होता है, इन दैट केस हम मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ ये बहुत तो मतलब रफ माना जाता है, मतलब सही नहीं माना जाता एक तरीके से, लोवेस्ट माना जाता है, ठीक है, ये वाला जो मेजरमेंट है, ठीक। इसके अलावा अब यहाँ पे आ जाओ, अ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, वन टेल इज स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गर देन अदर, मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल, देन द नंबर इन द लॉन्गर टेल अकर्स फ्रिक्वेंटली देन द नंबर इन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझो, ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये है ना, ये इधर आ जाओ, ठीक। अब बोला है वेन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड वेन वन टेल, ये दो टेल है, ये क्या है, दो टेल है आपकी, ये क्या है, दो टेल है आपकी, ठीक है, जब हम एक टेल को, एक पूंछ को एक तरफ की तरफ ज्यादा जब हम खींचते हैं तो क्या कर देता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को असिमेट्रिक कर देता है। सिमेट्रिक क्या है, ये ऐसा बिल्कुल एक शेप में बना हुआ है, जब हम एक पूंछ को एक साइड पे ज्यादा खींचने लगेंगे, ज्यादा खींचने लगेंगे, तो हमारा जो
डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा शेप है वो कैसा हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है, असिमेट्रिकल हो जाएगा। जो नंबर्स हैं इन द लॉन्गर टेल, ठीक है, लॉन्गर टेल अकर्स लेस फ्रिक्वेंटली देन द नंबर इन द माउंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या मतलब, यहाँ पे जो ये क्या है, माउंड है, ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा मतलब कम यहाँ पे नंबर अकर करेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक। इफ वन टेल अपियर्स टू बी स्ट्रेच्ड और पुल टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है, सॉरी ये राइट साइड है, अगर ये राइट साइड पे आप खींच रहे हो उस पूंछ को, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली, यहाँ से क्वेश्चन आया भी मैं बता रही हूँ, पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। उसी जगह जब आप लेफ्ट साइड पे इस पूंछ को खींच रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं, ठीक। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स क्या कर रहे हैं, जो सॉरी जो नेगेटिव, ये जब हम स्ट्रेच करते हैं, द वन टेल अपीयर्स टू बी स्ट्रेच पोलर टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन इज सेड टू बी स्क्यूड टू द लेफ्ट और नेगेटिवली स्क्यूड, स्ट्रेच इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में वो स्ट्रेच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नंबर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं, ठीक है, और ये माउंटेड है, ये माउंटेड है आपका, ठीक है, ये ठीक, नंबर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कम हो रहे हैं। और यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, एक इजी टेस्ट का कंसेप्ट आता है, एक डिफिकल्ट टेस्ट का कंसेप्ट आता है। अगर नेगेटिवली स्कोर है, अगर मतलब आपका जो ये पूंछ है इसकी मतलब ये जो टेल है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, तो उस केस में क्या होता है, टेस्ट हमारा ईजी होता है, टेस्ट हमारा ईजी होता है। उसी जगह अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब इस तरफ की तरफ स्क्यूड है ज्यादा, तो हमारा टेस्ट कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, हमारा टेस्ट कैसा होता है, ये डिफिकल्ट होता है। समझ रहे हो, मैं फिर से बता रही हूँ, ये है आपका एक बेल शेप का कर्व बना हुआ है, ठीक है, ये एक बेल शेप का कर्व है, ये दो पूछ है, ठीक है, ये दो पूछ है, ये एक ये है एक ये है, मतलब इससे दो टेल बोलते हैं, टू टेल, ठीक है, ये टेल क्या है आपकी, राइट टेल, ठीक है, ये टेल क्या है आपकी, लेफ्ट टेल है। अगर हम देखो, मैं दो फिगर यहाँ पे बना रही हूँ, एक बार मैं लेफ्ट की राइट की तरफ इसको स्क्यू कर रही हूँ, ठीक है, ये ठीक है राइट की तरफ, एक तरफ मैं जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं लेफ्ट की तरफ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये चीज, अगर आपका डेटा लेफ्ट स्क्यूड है, मतलब ये आपका नेगेटिव साइड है और ये आपका पॉजिटिव साइड है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव साइड है, ठीक है, बीच में ये जो होता है, अभी फिगर देखोगे, बीच में ये जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है, ठीक है, जो अगर ये नेगेटिवली स्कोर्ड स्क्यूड है तो यहाँ पे टेस्ट कैसा होगा, इजी होगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड है तो यहाँ पे टेस्ट कैसा होगा आपका, डिफिकल्ट होगा, टेस्ट कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा। अभी रुके रहो, आगे समझ में आएगा, ठीक है, अभी ये समझो, कर ले डिफिकल्ट और इजी वाली चीज, ठीक है। अगर मतलब जब भी डेटा स्क्यूड होता है तो कैसा होता है, नॉट सिमेट्रिकल, मतलब असिमेट्रिक। स्क्यू कहने का मतलब ही क्या, आप खींच रहे हो एक तरफ, ठीक है, तो दो साइड पे खींच सकते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो स्क्यू टू द लेफ्ट, पॉजिटिव है तो स्क्यू टू द राइट, ठीक। इन अ पर्टिकुलर द देखो, अच्छा ये जैसे ये रहा, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है आपका, नॉर्मल कर्व है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड है। अब ये क्या किया, नेगेटिव डायरेक्शन में आपने इसको खींचा उसकी पूछ को, ठीक, तो क्या हुआ, मीडियन अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, मीडियन इधर उधर कहीं नहीं लेगा, जो भी चेंज होगा ये मीन में, मीन क्या हो रहा है, आप इधर की तरफ जा रहा है, मीन क्या हो, इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये क्वांटिटेटिव नंबर है, अगर मैं इधर वाले पे देखूँ तो धीरे 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 कम होते जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मीन इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट कैसा होगा आपका, ईजी होगा, उसी जगह जब इधर आओगे तो टेस्ट कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक। यहाँ पे जो पूछा जाता है, मैं वो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इन अ पर्टिकुलर मीन द मीन मीडियन एंड द मोड आर डिफरेंट व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, इन द नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू मीन की है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मीन की है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, देखो मीन इधर जा रहा है ना, तो मीन क्या है आपका, मीन लेस देन होता है मीडियन से, ठीक है, और मीडियन लेस देन होता है मोड से, ये पूछा हुआ है आपसे। और जब पॉजिटिवली होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मीन पे वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मीन पे वैल्यू ज्यादा होती है, फिर मीडियन पे होती है, मीडियन आपका सेम पोजीशन पे रहता है, फिर आपका मोड में होता है, लेस किस में होता है, मोड में होता है, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ये पॉजिटिवली स्कोर के लिए होता है, ये नेगेटिवली स्कोर के लिए होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, जो मीन होता है वो लेस देन होता है मीडियन से, मीन होता है जो लेस देन होता है मीडियन से, और नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव में क्या होता है, ये नेगेटिव में होता है, और पॉजिटिव में क्या होता है, मीन जो होता है ग्रेटर होता है मीडियन से, ठीक है। तो ये जो डेटा आपने लिखा है, ये जो लिखा हुआ है, ये अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है, क्लियर है बातें।
एनपीसी में से और अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब ये जो पैटर्न हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न यू शुड रिमेम्बर दिस जनरल रूल। ये जो मतलब ये जो हमने पैटर्न पढ़ा उस पर ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, इफ द मीन इज लेस देन मीन लेस देन द मीडियन, अगर मीन आपका मीडियन से कम है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या है वो नेगेटिवली स्क्यूड है और लेफ्ट साइड पे है। कैसा है? नेगेटिवली स्क्यूड है और लेफ्ट साइड पे। अगर मीन आपका ज्यादा मीडियन से तो क्या है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है और राइट साइड पे। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट, इनमें से अगर हम देखा जाए कि कौन सा मेजर जो है सेंट्रल टेंडेंसी का वो बेस्ट होता है, वो कौन सा होता है? मीन होता है। कौन सा होता है? मीन होता है, क्योंकि मीन एक प्रिसाइज डेटा देता है, मीन एक प्रिसाइज डेटा देता है। और मीडियन की अगर बात करें तो वहां पे क्या होता है, वो हाफ अ पार्ट पे सिर्फ डिवाइड कर देता है। मोड मोड में क्या होता है, वो क्या करता है, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है उसको वो उसको ले लेता है। ठीक है, मीन में क्या होता है, वो पूरा हम लोग लेते हैं, पूरा एवरेज लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से मीन क्या करता है, पूरा मैग्नीट्यूड निकालता है सभी एवरेज का। ठीक है, इस वजह से ये मीन कैसा होता है, प्रिसाइज होता है, मतलब मोस्ट सुटेबल माना जाता है। मीडियन और मोड नहीं होते हैं। मीन कैसा होता है, मीन इज ऑल्सो मोस्ट सुटेबल फॉर्म फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। मीडियन जो होता है वहां पे क्या होते हैं, सिर्फ हम मिडल की वैल्यूज को लेते हैं। और मोड क्या करता है, यूजली जो डिजायरेबल होती है, मतलब मोड जो होता है वहां पे जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली नंबर आते हैं उसको खाली लेते हैं। इसीलिए लीस्ट डिजायरेबल अगर देखा जाए तो कौन सा है, मोड है। और मोस्टली सुटेबल कौन सा होता है, वो मीन होता है। ठीक है, क्लियर है बात है यहाँ तक? अदरवाइज इधर आ जाओ। हाँ, अभी एक कुछ वो जब देयरफॉर आगे यहाँ पे आ जाओ। देयरफॉर यू शुड यूज अ मोड ओनली। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज ये कैसा होता है, लीस्ट डिजायरेबल होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ओनली ओनली अबाउट द वॉट डेटा वैल्यू अकर्स द मोस्ट। जो मैंने भी बताया, सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन देता है जो नंबर बहुत ज्यादा बार आ रहे होते हैं। इसी वजह से मोड का यूज हमें कब करना चाहिए, यू शुड यूज द मोड ओनली वेन यू बिलीव दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस इन अ सिंगल नंबर। अगर आपको ये पता है, आप चाहते हो कि सिर्फ एक सिंगल नंबर में ही हमारा डेटा एक्सप्रेस हो, इन दैट केस केस यू 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 यूज इन दैट केस यू कैन यूज मोड ऑन। ठीक है, जब आपको सिंगल नंबर में प्रेजेंट करना हो, अदरवाइज मीन और मीडियन को ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, मीन और मीडियन को ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। एक सिचुएशन और होती है जहां पे हम मीन के बजाय मीडियन को प्रेफर करते हैं। ये सब जो कंडीशन लिखी है इंपॉर्टेंट है आपके आपके लिए। ठीक है, एक सिचुएशन और होती है जहां पे हम मीडियन को प्रेफर करते हैं, वो कौन सी है, जब आपका डेटा स्क्यूड होता है। जब आपका डेटा स्क्यूड होता है, स्क्यूड कहने का मतलब क्या है, ऐसे करके, ठीक है, स्क्यूड है। ठीक है, तो इस केस में दिस इज बिकॉज द मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम स्कोर्स। ठीक है, इसी वजह से जब हमारा जो डेटा है अगर वो स्क्यूड होता है, हाईली पॉजिटिवली स्क्यूड हो या फिर नेगेटिवली स्क्यूड हो, उस केस में हम मीडियन को यूज करते हैं, क्योंकि मीडियन जो होता है हमारा लेस इफेक्टिव होता है हमारे एक्सट्रीम्स पे। जो जो ये दो दो एक्सट्रीम्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, मीडियन हमारा लेस इफेक्टिव, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है इसी वजह से। ठीक है, तो हम इसका मीडियन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात है? किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता, मैं दोबारा से इसे रिपीट कर दूंगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जो स्लाइडें हैं, ये वाली स्लाइड, ठीक है, ये वाली स्लाइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, इसी में ही स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसीलिए कंसेप्ट समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ जाओ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, वही सिंपल सा है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या आ जाता है, अच्छा एक क्वेश्चन वो था ना, क्वेश्चन के लिए स्पेस है नहीं है, रुको जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, एक क्वेश्चन है, ये आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, या फिर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दूंगी, रहने दो, ये क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगी टेलीग्राम पे, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और नेक्स्ट सेशन जो भी होगा हमारा रिसर्च वाला, ठीक है, उसमें जस्ट अ सेकंड, मैं लैपटॉप को कनेक्ट कर दूं। जो भी हमारा, मैं ये जो क्वेश्चन है आपका जो इजी टेस्ट और डिफिकल्ट टेस्ट वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी, अभी नहीं दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां पे अटेम्प्ट करना। ठीक है, अगर किसी को क्वेरी हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आप मैसेज करना, अदरवाइज जो नेक्स्ट क्लास होगी रिसर्च की, मैं इस क्वेश्चन को वहां पे आप लोग को
फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी इसी कंसेप्ट के साथ, ठीक है? पहले आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे आपका डेटा अगर नेगेटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड है तो उस केस में क्या होता है, ठीक है? और एक क्वेश्चन है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उस केस में क्या होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है। ये आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक बार वो क्वेश्चन कर लोगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाली चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे अच्छा एक चीज और लिख लो यहाँ पे, भूल जा रही हूँ, रुको रुको रुको। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मैं यहीं पे लिख के बता दे रही हूँ, स्पेस नहीं है। ये फॉर्मूला लिख लो, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो बिना क्वेश्चन के समझ नहीं आएगा, ठीक है? एक फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, मोड इज इक्वल्स टू, सभी ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला देख के ही समझ रहे होंगे, मीडियन माइनस टू मीन, ठीक? कभी कभी होता है हमें मीन या फिर मोड ऐसे करके क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है? और हमें बोलता है कि जैसे मीन और मीडियन दे रखा है और हमें बोलता है कि अब मीन और मीडियन दे रखा है, हमें मोड फाइंड करना है, ठीक है? तो इस केस में हम लोग ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है? मतलब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड, ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग, फाइंड द मीन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, ठीक है? डेटा क्या है आपका, 10, 16, 17, 22, 26, 24, 26, आपने आपसे भी कोई डेटा ले सकते हो, सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो ये मीन तो निकालना है, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर करना है इसको, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है? ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? फिर आता है मीडियन निकालने के लिए, ठीक है? मैं एक एक क्वेश्चन सभी का दे रही हूँ आपको, फाइंड द मीडियन, ठीक है? हमें मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए डेटा क्या है हमारे पास, 5, 7, 9, 12, 10, 8, अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा, मैं वो क्वेश्चन को करके बता दूंगी, ठीक है? मीडियन निकालना भी मैंने बता दिया है, ऑड और इवन आप काउंट करोगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, 9 कैसा है, ठीक है? ये ऑड है या फिर इवन है? उसके अलावा मैंने ये भी बताया अगर डेटा अनग्रुप्ड है तो कैसे आपको उसको पहले अरेंज करना है, ठीक है? तो इस वजह से पहले खुद से सॉल्व करो आप लोग, ठीक है? अगर नहीं आए, ठीक है, सॉल्व करना, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं इसे कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है? क्लियर है? इसके बाद आता है मोड निकालना, एक क्वेश्चन सभी का ही ले लो फिर, जिसमें आता है 10, 6, 7, 10, 9, 8, 7, 5, 10, इसका आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 4 में आता है अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है, तीनों ही निकालना है, तीनों ही निकालना है। और डेटा हमारे पास क्या दे रखा है, 12, 16, 18, 25, 35, 40, 42, 12, 17, 19 and 12, ठीक? ये हमें डेटा दे रखा हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, निकालना है मीन, निकाल लोगे बहुत आराम से, इसका फिर मीडियन निकालना है, ठीक है? मीडियन, दो डेटा को आप निकाल लो यहाँ से, मीन और मीडियन को, ठीक? जब मीन और मीडियन आपका आ जाए, मीन और मीडियन जब आ जाए उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट कर देना, थर्ड आपका आराम से आ जाएगा मोड। जैसे मीन मान लो आपका कुछ आ गया, मान लेते हैं 6 आ गया मान लेते हैं, और मीडियन मीडियन कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है? मीन कितना आया, ये आया, और मीडियन ये आया, तो आपको मोड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मोड इज इक्वल्स टू मीन कितना, सॉरी मीडियन कितना आया आपका, 2 आया ना, तो 3 × 2 मीडियन माइनस 2 × 6, इस तरह करके आप मोड निकाल सकते हो। मतलब तीनों को आपको निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एटलीस्ट दो यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, चाहे तो मोड को भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, एटलीस्ट दो फाइंड आउट कर लो और तीसरे को इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग करके रखिएगा, ठीक है? अगर किसी को दिक्कत लग रही है क्वेश्चन करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा, मैं समझा दूंगी उसे, ठीक है?
अब इधर आ जाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो ग्राफ है वहां पे जो ग्राफ का यूज होता है इज यूज टू डिस्प्ले द कैटेगरीज, ठीक है। मतलब सबसे पहले आता है आपका ग्राफ, जहां पे हम कैटेगरीज मतलब डेटा को कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हो गया, नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गया, ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे ग्राफ होता है, ठीक। हिस्टोग्राम से में क्या होता है, हिस्टोग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा दैट ऑर्गेनाइज इंटू इंटरवल, मतलब यहाँ पे इक्वल एंड कंटिन्यूअस होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी डेटाज होते हैं ना इक्वल है, मतलब इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हिस्टोग्राम्स में। हिस्टोग्राम्स में क्या होते हैं, वो इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक। फिर आते हैं स्कैटर्स में। स्कैटर्ड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल्स का रिलेशनशिप देखते हैं। ये जो जितने भी डेटा सेट है, डेटा के सेट है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये दो डायमेंशनल होते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे होते हैं। कार्टेशियन प्लेन कहने का मतलब क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऐसे करके होते हैं। यहाँ पे डेटा स्कैटर्ड होते हैं, हम एक का रिलेशन दूसरे के साथ देखते हैं, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, ऐसे ऐसे करके एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, तो ये होता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का जो यूज कहाँ पे हो सकता है, जब आपके पास लार्ज सेट ऑफ डेटा हो, जब आपको कंपेयर कराना हो पेयर ऑफ वैल्यूज को, जब आपके डेटा कैसे हो न्यूमेरिक फॉर्म में दे रखे हो, इन दैट केस हम लोग स्कैटर डायग्राम, स्कैटर प्लॉटर का प्लॉट का यूज करते हैं। क्लियर है बातें, किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे अपना एंड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जस्ट अ सेकेंड, पीछे आ जाओ, बहुत ज्यादा नहीं इसे मैंने कराया, मैं थोड़ा थोड़ा कराऊंगी जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर होती रहे। तो हम लोगों ने आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तक देख लिया है, इसके बाद आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेंगे। उसके अलावा अभी जस्ट पहले मैंने आपकी यूनिट 7 का रिवीजन सेशन का एक वीडियो अपलोड किया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके उसको देख लें, ठीक है। वीडियोज अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की। थैंक यू एवरीवन।